So now the next question is the question number 12, and it is also from the chapter trigonometry. So isme kya diya hua hai? If cos alpha plus beta is equal to 0, then the value of cos alpha plus beta by 2 is equal to kitna hoga? Okay. So let's see. Humko diya hua hai cos alpha plus beta is equal to 0. Ye question dekh ke darna nahi hai, confuse nahi hona hai. Isko step by step karo, dekho kaise ho jayega. Cos alpha plus beta equal to 0 diya hua hai. तो हम क्या लिख सकते हैं cos alpha plus beta, cos का कौन सा डिग्री, cos का कितना डिग्री, जीरो होता है. So we know that cos 90 डिग्री इज जीरो, which implies कितना हो जाएगा कि दोनों साइड अगर आप कंपेयर करोगे तो कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. बस ये निकालना था, ये निकल गया हमारा. अब हम जाएंगे वैल्यू निकालने में. क्या बोल रहे हैं आप, निकालो cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2, इसकी वैल्यू मेरे को निकालने के लिए वो बोल रहा है. ओके, अब मैं इसकी वैल्यू डाल दूंगा. cos अल्फा प्लस बीटा कितना है 90, तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना होता है cos 45 डिग्री, एंड cos 45 डिग्री इज 1/√2. तो ये मेरा आ गया क्या आंसर, तो ये ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया.